सर वजर अजम इमरान खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई मुलाकात में जो गुफ्तु हुई उससे आपको क्या ता गया कि मुस्तबिल में जो भी मामलात होने जा रहे हैं क्या उसका वजीम साहब को इल्म है और क्या वो उन तमाम तर मामला के लिए तैयार हैं देखिए वजीर आजम साहब से आज एक नशस्त हुई उसमें दिगर अहबाब भी साथ थे और वो जो नशस्त है वो आ... वील गालिबन चाहते थे वजीर आजम लेकिन वो बात बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो मुख्तलि वजरा उनके साथ मौजूद थे उन्होंने वजीर आजम साहब को कुछ बातों को मतलब तमाम तर मुलाकात में असल में ये क्लियर नहीं हो सका कि क्या चीज ऑफ द रिकॉर्ड है और क्या चीज ऑन द रिकॉर्ड है ठीक और ये एक अख्तलाफ रहा तमाम मीटिंग में और बहुत सारी बातें ऐसी जो कि मीडिया पे बयान नहीं हो सकती आ, लेकिन उसमें डॉक्टर शबाज गिल साहब भी मौजूद थे फवाद चौधरी साहब भी थे और वजी अजम साहब खुल के बात कर रहे थे लेकिन वो फिर आ, ऐसा हो गया सिलसिला कि वो ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड में क्योंकि आ, ये भी बात हुई कि हमें कुछ तो बताएं जो हम जाके कहेंगे मतलब क्या कहें जाके सारी ही बातें हुई तो और आ, मैंने उनसे जो सवालत किए तो मैं तो समझता हूँ कि उसको ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड का मुझे नहीं इम लेकिन यह है कि मैं भी महतातों की बात कर सकता हूँ तो मैं तजिया दे सकता हूँ अपना वहाँ पे शौकत तरीन साहब भी मौजूद थे वहाँ हमारे वजीर खजाना जो हैं वहाँ पे शाह महमद कुरशी साहब भी मौजूद थे वजीर खारजा और वहाँ पर फरूख हबीब साहब थे वहाँ पे परवेज खटक साहब थे अली जैदी साहब थे फैसल वाउडा साहब थे ये तमाम शख्सियात उस मजलिस में बैठी आके जिसमें हम वजीर आज़म के साथ और दीगर अहबाब चंद और फिर मैंने इस दौरान चूँकि वजीर आज़म साहब एक तवील जब हमसे बात उनकी हो रही थी तो साथ जो उनका दूसरा कमरा है वजी अजम हाउस का उसमें वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे थे जो कि इंटरव्यू भी एक और चैनल पर लाइव जा रहा है अर्शे शरीफ साहब के साथ और इस दौरान ये हुआ कि वो जो वक्त दिया गया था वो वक्त जब थोड़ा सा ताखीर हुई वक्त में फिर पता चला कि वो और ताखिर हो गई तो मैंने फिर उसके बाद पूछा उनके जो वहाँ पे वजीर अजम हाउस के जो आ, जो वहाँ पे उनके नुमाइंदे जो ऑफिस वहाँ पे जो हु काम है मैंने कहा जी आपने आ, चार बजे का टाइम दिया था तो ये चार दस तो हो सकते हैं चार बीस भी आप ठीक है ये पौने पाँच का टाइम हो गया ये क्या है मतलब ये क्योंकि मुझे बाकी लोगों को मतलब बैठे हुए हैं सारे तो क्या है तो यहाँ पर हमारे साथ फिर फवाद चौधरी साहब कंपनी दे रहे थे बाकी लोग दे रहे थे लेकिन वहाँ पर मैंने कहा टाइम नहीं है इंटरव्यू का मतलब ये इंटरव्यू कब तक खत्म होगा तो आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो आप टाइमिंग टाइम देते हैं तो उसका कोई कुछ है तरीक सिलसिला तो लेकिन वहाँ पर मुझे अंदाजा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर सब ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं तो इसलिए फिर वो इंटरव्यू उन्होंने तवील कर दिए हालांकि वो इंटरव्यू पहले ये उनके स्टाफ ने बताया मैंने कहा जी अच्छा ठीक है लेकिन वो कितने तक कितनी लंबी होगा ताकि हमें अंदाजा हो कि मैं यहाँ वापस पहुँच के आठ बजे शो तो करूँ कम से कम लाइव ये शो लाइव जा रहा है तो मैंने कहा जी आप उनको कहें कि डॉक्टर शायद मैसेज पहुंचा दें अंदर के हमें टाइम बता दें हम जाके शो कर लेते हैं फिर बाद में आ जाएंगे कल परसों बात करेंगे आगे तो उनके आए स्टाफ आप तो बड़े अच्छे उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर अभी दस मिनट में वो उसको वाइंड अप कर रहे हैं इंटरव्यू को वो इंटरव्यू बड़ा अर्षे शेफ साहब ने जबरदस्त किया और वो चल रहा इस दौरान जरा वज़ीर आज़म हाउस की फजाएँ जो है ना वो उनको समझने का मौका मिला और कुछ वजरा से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई अच्छा अब मैं इस सारी ही गुफ्तु को तकरीबन इसमें मतात अंदाज में यहाँ पर बात करूंगा ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये मिक्स हो गया सारा डॉक्टर शहबाजगिल साहब का ख्याल था कि सारी ही बातें ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए लेकिन फिर और फवाद चौधरी साहब ने भी कभी यही था कि कुछ ऑन द रिकॉर्ड जाए तो वो सारा जो है ना थोड़ा सा और अबीब साहब का तो लेकिन मैं उसका अपना तजिया देता हूँ कि क्या गुफ्तगु हुई पहली बात तो ये हुआ कि वजी अजम साहब की आ, जो काबीना है उनके जो वजरा मौजूद थे जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उसमें से कुछ वजरा जो हैं उनको इस बात का यकीन था कि हमारी हुकूमत जो है वो दो रोज के बाद खत्म हो रही है लेकिन चंद वजरा बहुत पूरे बुरमाद थे कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा और मैं उनसे पूछा मैंने कुछ और भी बातें हुई यहाँ पे लोगों से इस्लामाबाद में जाहिर है कि हर पीडीएम की भी खबरें आ रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रही हैं उधर ये भी हो रहा है उधर सारा और फिर वजीर आजम साहब को भी जाहिर है कि एक अरसे से उनसे मुलाकात रही है तो एक जब वो बात कर रहे होते हैं तो अंदाजा होता है कुछ दीगर अहबाब से कुछ ज़्यादा कि क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं तो पहली बात तो ये कि तमाम वजरा से जो वजीर आजम सोच रहे हैं उन्होंने शेयर नहीं किया सही ठीक फैसल वाउडा साहब के सामने मैंने ये सवाल किया और ये सवाल जाहिर है मैंने कहा जी वजीर आजम साहब ये फैसल वाउडा साहब बैठे हैं तो जरा उन वजरा के नाम तो बताएं कि जिनके बारे में कहते हैं कि वो शेरवानिया सिलवा के बैठे हुए हैं तो क्या वो इस, इसी कमरे में मौजूद हैं आपके साथ ये मेरा सवाल था बहरहाल इसका जवाब जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हुआ लेकिन मेरा तज् जो है वो बिल्कुल ये कि वजी अजम साहब ने उसको इसलिए उसका जवाब जो दिया वो उसको थोड़ा सा हिला कि वहाँ पर कोई मौजूद थे उस में से कोई ना कोई था और फैसल वॉर्डा साहब ने भी वहाँ पर उस चीज को यानी इंसिस्ट नहीं किया कि हाँ मैं बताता हूँ वो भी चुप रहे हम उच रहे लेकिन वो एक सवाल मतलब इस तरह का मैं मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि इस तरह का माहौल था जो एक कशीदा सवाल था बुनियादी तौर पर सवालत जो हो भी रहे थे लेकिन वो सवाल जो है वो जवाब और सवाल और सवाल और जवाब तो मतलब वो आ, एक मरहले पर तो ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा जी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही है आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं तो मतलब है कि वो मुझे नहीं कहा बाकी जो दीगर वो पूछ रहे थे सारे तो कि जी आप बताएं तो सही कि क्या प्लान क्या है क्या अच्छा अब गुफ्तु में दो तीन बातें जो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तजिए की बुनियाद पर कहता हूँ वजीर अजम से साहब ने ये बातें मुमकिन है की हूँ नहीं की हूँ ऑफ द रिकॉर्ड बात लेकिन मैं अपना तजिया दे रहा हूँ ये वजीर आजम साहब ठीक पहली बात तो ये है कि जो इतवार को आ, ये जो तहरीकी आदम तम है ये तहरीक आदम तमा जो है ये आ, बहुत पुरसकून अंदाज में हो सकती है जिस तरह हम देख रहे हैं अभी तक और यह भी हो सकता है कि यह पुरसकून अंदाज में ना हो अच्छा मैं इसको तो जरा संभल के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं पुरसकून अंदाज में ना हो से मेरी मुराद यह है कि एक तो अदालत का फैसला अभी तक नहीं यानी यह अभी तक तय नहीं हुआ कि वो नाहलीत का क्या होना है ठीक है वोट काउंट होगा और उस दिन जो है जब हम निकल रहे थे तो असद कैसर साहब से भी मुलाकात हो गई अच्छा। असद कैसर साहब उनको बुलाया होता तो असद कैसर साहब जो है वो उस दिन कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि जी ये तो अदालत के अंदर है मतलब एक मामला जो है वो जेर समात है या अभी तो चल रहा है तो मैं तो उसमें वोट काउंट नहीं करूँगा ये कर ये मेरा एक तजिया है क्योंकि अदालत का फैसला नहीं आया अभी तक क्लैरिटी नहीं और उसके साथ फिर आ, वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं सरप्राइज भी दे सकता हूं। मैं बहुत अच्छा दो अब यहाँ पर, दो पर दो क्या मामला यहाँ क्या हो सकता है वो तो बात आप छोड़ देना कि वो जमीर जागने वाली बात और वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमने कहा कि गेम प्लान व्हाट इज द गेम प्लान मतलब एक तो है ना कि ऐसे होना चाहिए ऐसे होने चाहिए होने क्या जा रहा है असल तो ये बात होती है ना तो वो जो बातें बहरहाल हुई और फिर बाहर भी और आगे भी और फिर अपोजिशन की तरफ से भी मुख्तलिफ पार्टियों की भी हमारे पास खबरें आ रही हैं वो भी आ रही सारी तो चारों तरफ से फिर मैं अपना तजिए उसमें देता हूँ थोड़ा सा वो ये है कि शायद ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो यानी स्मूथ से मुराद ये कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है वो आ, वहाँ पर उतने ही लोग हों जितना अपोजिशन समझ रही है हो भी सकता है उतने लोग हों ये भी हो सकता है कि उतने ना हों है। और वजीर आजम साहब मतलब ये नंबर जो है जो 177 है ये कोई अचानक इसमें कोई कमी बेशी हो जाए वोट काउंटिंग के वक्त कुछ वोट काउंट ना करें कैसर साहब वो कहें कि अदालत में फैसला है ये बात भी इस्लामाबाद की फजाओं में है